अक्सर कहा जाता है कि माँ बेटी का रिश्ता एक दोस्त की तरह होता है। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाती, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि एक माँ और उसकी बेटी को एक ही पति के साथ रहना पड़े। आप शायद इस खबर पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। जिस माँ की कोख बेटी जन्म लेती है और बड़ी होकर उसी माँ की सौतन बनती है। जी हाँ, दुनिया भर में शादी को लेकर कई परंपराएं निभाई जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताएंगे जहां एक बेटी को अपने पिता से ही शादी करनी पड़ती है। दरअसल बांग्लादेश के मंडी जनजाति की ये अजब गजब परंपरा है जहां इसे अपनाया जाता है। एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक 30 साल की ओरोला डालबोट के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। ओरोला इतनी छोटी थी कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। ओरोला कहती है कि दूसरे पिता का नाम नॉटेन था। नॉटेन उन्हें देखने में हमेशा से पसंद थे। वो कभी कभी ये भी सोचती थी कि उनकी माँ कितनी किस्मत वाली है जिन्हें नॉटेन जैसा पति मिला है। ओरोला कहती हैं, जब उनका किशोरावस्था में प्रवेश कर गई तब उन्हें पता चला कि उनके दूसरे पिता नॉटेन ही उनके पति हैं। ये सुनते ही ओरोला के कदमों तले जमीन खिसक गई। पिता की तरह जिस आदमी को देखा, बाद में पता चला कि 3 साल की उम्र में ही उसकी शादी पिता से करवा दी गई है। बता दें कि ये एक परंपरा है जिसे तब अपनाया जाता है जब किसी महिला का पति कम उम्र में ही चल बसता है। ऐसे में उस महिला को अपने पति के खानदान से ही एक कम उम्र के आदमी से शादी करनी होती है। ओरोला की माँ के साथ भी यही हुआ था। ऐसे में कम उम्र के नए पति की शादी उसकी होने वाली पत्नी की बेटी के साथ भी एक ही मंडप में करवा दी जाती है। माना जाता है कि कम उम्र का पति नई पत्नी और उसकी बेटी का भी पति बनकर दोनों की सुरक्षा एक लंबे वक्त तक कर सकता है। ये बड़ा ही अजीब है, लेकिन ऐसी परंपरा के चलते ओरोला को अपने पति नॉटेन से 3 बच्चे हैं। वहीं उसकी माँ को भी नॉटेन से ही 2 बच्चे हैं। दोनों माँ बेटी एक ही पति के साथ एक ही घर में रहती है। ध्यान देने वाली बात ये भी, ऐसी परंपरा के चलते माँ और बेटी की रिश्ते वैसे नहीं जाते जैसे होने चाहिए। ओरोला और उसकी माँ में नॉटेन के चलते अजब सी खटास है। दोनों पति के चलते एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं।